हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी रिजी और मैं आज एक वीडियो लाया हूँ सर्विस के लिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं जिनकी सर्विस लेट हो चुकी हैं और सेंटर ओपन नहीं हो रहा है, डेट बढ़ती जा रही है कर्फ्यू की, और जो 17 है ये लास्ट डेट, पता नहीं इसमें भी खुले या ना खुले। तो मैं आपको सेल्फ सर्विस का तरीका बताने जा रहा हूँ कि सेल्फ सर्विस कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो उसमें फर्स्ट ग्लू, अल्टाहोल, लेकिन C22 ये क्लीनिंग के लिए होता है, ये जो पेज गंदा हो गया है, जो गंदा हो गया है ना पेज, तो उसको क्लीन करने के लिए इसका यूज होता है C22 का। देन रेड टेप एंड ग्लू वाला टेप है, ये सुपर टेप वाटर प्रूफ है, जो 15 डेज चल जाता है अगर सिर्फ टेप ही टेप लगाएं तो। और ये है कपड़े वाला टेप, तो गर्मियों में काफ़ी अच्छा रहता है ये कपड़े वाला टेप, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्केल प्रोटेक्टर, ये स्केल प्रोटेक्टर है जो इचिंग वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह कंट्रोल करता है ये, तो ये भी लगा सकते हैं। और ये नो शाइन टेप, जो टेप के जो पेज के फ्रंट में यूज़ होता है, फ्रंट में जो राउंड होता है फ्रंट में, वहाँ यूज़ होता है। और जिनके पास ये सब मटेरियल नहीं है उनके लिए बीच में बताऊंगा कि वो सर्विस कैसे करें या वो क्या करें इस बीच, जिनके पास सामान नहीं है। और बाकी का सेंटर के पास ही मेरा घर है, अगर जो ज़रूरतमंद हो तो वो आकर मटेरियल ले सकता है, टेप वगैरह मुझसे, तो आप आ सकते हो और मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि नंबर तो बंद है, वो सेंटर पर है और सेंटर जाना नहीं हो रहा, तो नंबर बंद है, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज छोड़ें, मैं रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। तो अब मेन बात, मेरे बाल हैं पूरे, तो सेल्फ तो मैं मेंटेनेंस कर नहीं सकता, तो मैं फिर किसी और पे दिखाता हूँ। आओ भाई, तो ये हैं सर्विस के लिए, इंसान तो आ नहीं पा रहे, तो भूतों को बुलाया है मैंने। सबसे पहले यूज होगा इसका C22, जो C22 है आपको इसे बैक से हल्का हल्का लगाना है, हल्का हल्का लगा के रफ करते रहना है फिंगर से, तो ये पूरी तरीके से अपने रिमूव हो जाएगा। अब जो स्केल्प पे है आपके ग्लू, तो उस पर भी स्प्रे करके फिंगर से रफ करना है ताकि वो रिमूव हो जाए। चलिए आओ, सेकेंड स्टेप, जो टेप लगा हुआ है उसको आपको रिमूव करना है सबसे पहले, मैंने ये कम टेप लगाया था, बाकी तो पूरे राउंड पे लगता है टेप। तो ये आपका टेप हो गया रिमूव। अब जो ग्लू है इस पे, ये स्प्रे करके ग्लू को रब करना फिंगर से, ये इसके निकलने के बाद अब इसे करना है वॉश। तो फ्रेंड्स, अब हम वॉश करने जा रहे हैं, तो इसके लिए फर्स्ट शैम्पू चाहिए, सेकंड इसे सॉफ्ट करने के लिए पेज को कंडीशनर चाहिए, कोई सा भी नॉर्मल आप शैम्पू या कंडीशनर ले सकते हैं, वैसे ये हमारी खुद की कंपनी का है, रिजी हेयर सोल्यूशन, मार्केटेड बाय रिजी हेयर सोल्यूशन RSH, तो वो ये सब हमारे पास मिलेगा, हमारे किसी भी सेंटर से आप परचेस कर सकते हैं। और ठीक है, पानी, आप लोग मग लेकर किसी भी मग में ये कर सकते हो, आप ये फॉर्म बनाएं इसका अच्छे से, देन ये
उल्टा करके डालें ताकि पेच आपका उलझे नहीं, इसके बाल ना उलझे अच्छी तरीके से। इसे 2 से 5 मिनट छोड़कर रखें। इसे 2 से 5 मिनट छोड़ के रखने के बाद जो इसका फोम है सब निकाल लें ये झाग, और जो उलझ रहा हो थोड़ा सा तो ये कॉम्ब की मदद से आपको इन्हें सुलझा सकते हैं। कम से कम 2 बार वॉश करना है, 2 से 3 बार, ताकि जो केमिकल की जो C22 की स्मेल है वो इससे रिमूव हो जाए। तो ये निकालने के बाद उल्टा ही रखना है पेच को ताकि बाल उलझे नहीं। ये दोबारा से पानी थोड़ा सा भरकर, अब ये कंडीशनर, शैम्पू के बाद कंडीशनर, अच्छे से मिक्स करने के बाद कंडीशनर मग में पेच को डाल देना है। 10 मिनट तक आप इसे डाले रखें, तब तक आप नहा लें ये पेच को कंडीशनर में छोड़ने के बाद, ताकि आपका पेच ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और जितना अच्छा कंडीशनर लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और कंडीशनर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डेड हेयर होते हैं और इनमें जान डालने के लिए कंडीशनर ज़रूरी है, क्योंकि रियल हेयर में हम खाते पीते हैं तो पोषण मिलता है हमें, तो बाल ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन ये डेड हेयर हैं, बेजान बाल हैं, तो इन्हें ऊपर से ही पोषण देना पड़ेगा, तो इसके लिए कंडीशनर मस्ट है। 10 मिनट के बाद इसको कंडीशनर में ऐसे निकाल लें, और बाल जो उलझ रहे हों तो उसे अच्छी तरीके से अपने सुलझा लें। कंडीशनर में करने के बाद स्मूथ हो जाता है, तो कंघा काफ़ी अच्छे से चलता है ये, और जो उलझ रहे होते हैं बाल तो आसानी से सुलझ जाते हैं। देखिए पूरा सुलझ जाएगा बाल, ये देखिए स्मूथ हो गए हैं एकदम से, बाल काफी स्मूथ हो गए हैं। अब इसको वॉश करने के बाद टेबल पे रखकर अपने अच्छी तरीके से सुखा लें, प्रेस कर लें इसे लाइक दिस। जो ये बेस है इसको अच्छे से पॉलिस्टर को अच्छी तरीके से क्लीन कर लें, क्योंकि जितना ड्राई हो जाएगा उतने अच्छे से टेप आपका ग्रिप करेगा। अभी हो गया। अब ये फ्रंट पे लगता है ये नो शाइन, मैं आपको दिखा दूं, ये है, ये लग गया नो शाइन ऐसे, क्योंकि ये आगे के लिए ही आता है ताकि अपने अच्छी तरीके से हो जाए। मैं ये लगाऊंगा नहीं, आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं जिनके पास नहीं है उनके लिए आसान कर देता हूँ मैं। कि जिसके पास ये टेप है, रेड टेप या कोई सा भी टेप है, तो वो टेप आप कट करें 1.5-2 इंच का, और उसे राउंड बना लें कैंची से। आप सेल्फ भी बना सकते हैं राउंड, ज़रूरी नहीं है कि नो शाइन के ही यूज़ करें। वैसे नो शाइन के यूज़ करना इजी रहता है, जिन लोगों के पास नहीं है तो वो सेल्फ राउंड बना सकता है ऐसे कट करके। ये देखिए एकदम राउंड फिटिंग आई है, तो ये आप अच्छी तरीके से राउंड करें तो अच्छी तरीके से फिटिंग आएगी। छोटे छोटे पीस करके पास पास लगा दें, या फिर आप चाहें तो थोड़ी थोड़ा छोड़ के भी लगा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि आपको परेशानी ना आए। अब ये तैयार हो गया है पेच, तो बुलाते हैं अपने क्लाइंट को। आपने वो देखा ये कितना खूबसूरत है, ये आ जाओ। तो ये आ चुके हैं, तो
इसके बाद आपको जो वेस्टेज है वो रिमूव करनी है। सबसे पहले ये सारी वेस्टेज रिमूव कर लो और रिमूव कर दिया वेस्टेज। अब आपको नोज नोज बोन है ना, इससे आपको 3 इंचेस लेना है फोरहेड। तो ये मेजरमेंट में काफ़ी आसानी रहती है, नोज बोन से 3 इंचेस ज़्यादातर। या फिर आप अपनी आसानी के लिए पेच उतारने से पहले आप पहले मार्क लगा लें ताकि आपको याद रहे कि वहीं से लगाया है आपने। तो ये 3 इंचेस, तो अब ये फ्रंट है, फ्रंट को ऐसे पकड़ लें बालों से, क्योंकि यहाँ तो टेप लगा हुआ है, आप यहाँ से पकड़ेंगे तो चिपक जाएंगे फिंगर्स। तो आप यहाँ लेकर और ये यहाँ जो मार्क लगाया है यहाँ पे रख दें मिरर में देखते हुए, और प्रेस करते हुए धीरे धीरे अपने ले जाएं। अब सेल्फ लगा सकते हैं, इजी है, ऐसा नहीं है। अब आता है ड्रायर, जिनके पास ड्रायर है वो ड्रायर से सुखा लें ताकि ड्रायर से काफ़ी अच्छे बाल बन जाते हैं, और जिनके पास ड्रायर नहीं है वो गीले भी बना सकता है बाल, तो ड्रायर वैसे वो काफ़ी ज़रूरी है। तो आप देखिए कितने सिल्की हो गए हैं बाल। बाल काफी सिल्की भी हो गए हैं, कंडीशनर काफी अच्छा है, आप कंडीशनर परचेज कर सकते हैं हमारे किसी भी सेंटर से। वैसे तो कोई सा भी जो आपको जो अच्छा लगे वो कंडीशनर यूज करें। देखिए ये हो गया हमारी सर्विस तैयार। आप बाल अपने तरीके से, जो आपका स्टाइल है वो किसी भी तरीके से बना सकते हैं बाल। तो ये हो गए हमारे भूत राजा, ये बन गए हीरो। तो जो सर्विस थी हमारी वो हो गई है कंप्लीट। आप ऐसे ही खुद, मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया है आपको। और हाँ, स्केल प्रोटेक्टर जिनके पास नहीं है वो ना डाले, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास है तो पेस्टिंग करने से पहले स्केल प्रोटेक्टर डाल सकता है वो, वैसे इतनी नीड नहीं है। चलिए अब मैं आपको बंदा दिखा दूं या नहीं। तो ये है, इन्हें तो जानती होंगे, यहाँ पे जी हैं छोटे भाई, इनके बाल पूरे हैं लेकिन दिखाने के लिए वो नकाब मास्क लगाना पड़ा। अब आप लोग कमेंट करके बताएं इन दोनों में से कौन हैंडसम लग रहा है, ये वाले बाल वाले या ये वाले बाल वाला। हाँ तो फ्रेंड, हमारी सर्विस पूरी हो गई है, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सब बताया है कि किस तरीके से सर्विस करनी है, किस तरीके से वॉश करना है। काफ़ी इजी है, स्टेप हैं, आप कर सकते हो, और सर्विस तो हो गई पूरी। मैंने कहा था जिनके पास ये मटेरियल नहीं है वो लोग क्या करें, तो मेरी पर्सनली राय है कि वो लोग थोड़ा सा पेट्रोल लेकर, पेट्रोल से कॉटन में लेकर अच्छे से तो पेच को रिमूव कर लें। जहाँ गिलू लगाए एमरजेंसी में पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल से गिलू हट जाता है। तो आप गिलू गिलू हटा लें और पेच को रख दें। अरे रोक यार। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारी सर्विस हो गई है पूरी, जो मैंने बखूबी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताया है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से करनी है। और मैंने कहा था जिनके पास ये मटेरियल ना हो, जैसे लाइक शैम्पू, C22 टेप वगैरह ये सब, तो उनके लिए मेरी पर्सनली राय है कि C22 की जगह आप पेट्रोल का यूज़ करें।
थोड़ा सा पेट्रोल लेकर कॉटन से आप लगाएं जहाँ जहाँ आपके गिलू लगा हुआ है, और आप पेज को रिमूव कर लें। अगर ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है ये स्थिति पेज की, जो कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो रही है पेज की, तो आप उसको पेट्रोल की सहायता से, पेट्रोल की हेल्प लेकर वो रिमूव कर सकते हैं। और 17 को खुलने के चांसेस हैं कि 17 को हो सकता है सेंटर खुल जाए, तो आप मेरे पास आके पेस्टिंग करा लें वही। तो ये इजी तरीका है, जो ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो कम से कम आप उतार कर रख दें और तब तक कैब कैरी कर लें। ये काफ़ी सही तरीका है, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, मटेरियल नहीं है उनके पास, और 17 अब है ही कितनी दूर। थोड़ा सा कैब कैरी कर लें घर पर, और वो अच्छी तरीके से वॉश करके, वॉश करने का तरीका मैंने बता दिया है आपको, वॉश करके एक बॉक्स में सुखाकर अपना पेज रख दें, और 17 को अगर खुलता है, वैसे हो सकता है डेट बढ़ जाए, उम्मीद है खुल सकता है, तो खुल जाए तो आप लोग मेरे पास आ जाइए, मैं कर देता हूँ पेस्टिंग, अपने सर्विस हो जाएगी। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो लोग नए हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग तक मेरी पहुंच सके। ओके, थैंक यू गाइस।